सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया, और जिस भी गाने के साथ आपका नाम और आपकी आवाज़ जुड़ती है वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले गाने के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जो अमजद जी ने कंपोज किया है, और ये गाना ना मुझे पहले भेजा गया, व्हाट्सअप किया गया, और मैंने सुनते ही कहा, मैंने कहा यार ये गाना बहुत अच्छा है और हम लोग करेंगे ये गाना, और इट्स अ पार्टी सॉन्ग, और पार्टी सॉन्ग होने के साथ साथ इसकी जो मेलोडी है, इसका जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है वो बहुत ही क्लासी है, तो कॉम्बिनेशन है, और प्लस ये एक ऐसे परिवार से हैं, मतलब गाने बजाने वाले परिवार से, म्यूज़िकल परिवार से हैं, तो अच्छा ही होगा जो भी करेंगे, तो सुरीला होगा, तो बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। और वैसे भी मैं ना पार्टी सॉन्ग थोड़े से मुझे कम मिलते हैं, पर ये इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वैसे मैं बहुत गाए हैं, टंकू जिया, गलत बात है, नगाड़ा नगाड़ा, और श्रीवल्ली, लेजेंड सॉन्ग तो वो, बट ये गाना सुनते ही, कॉम्पोजिशन सुनते ही, प्रोडक्शन सुनते ही, लिखा बहुत अच्छा गया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया, एंड गा के तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई थिंक ये गाना अगर करेक्ट तरीके से लोगों तक पहुँचेगा तो बहुत पसंद किया जाएगा। सर आप बताइए क्या थॉट प्रोसेस था सर को जब गाना भेजा, क्या दिमाग में था, क्या जावेद सर इस गाने से जुड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, क्या आप क्या सोच रहे थे उस बारे में अगर बताया? पहली बात तो सर हमारे आदर्श हैं, अरे क्या सर, हम इनको नहीं, एक्चुअली मैं तो इनको सुन सुन के काफी चीजें सीखा हूँ अपनी जिंदगी में, और मेरे लिए तो ये मतलब सपना सच हो गया कि सर हमारे इस गाने में आ गए, मोहब्बत है, दिल से तय दिल से मेरी ये दिल की बात है कि मुझे यकीन नहीं था कि जो सर एक्सेप्ट कर लेंगे क्या। नहीं नहीं, एक्चुअली इनके जो अब्बा हैं अली गनी साहब, द लेजेंडरी कंपोजर हैं, इतना अच्छा अच्छा उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने जब कहा मुझे तो मैं तो मना ही नहीं कर सका, मना कैसे करता, इतना अच्छा गाना कौन नहीं गाना चाहेगा, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने कंपोज किया, तो उनका सबसे पहले कॉल आया था, तो उसके बाद में इनसे बात हुई, फिर मैंने फिर आगे बात बढ़ी, तो फाइनली ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, और वी आर वेरी हैप्पी कि ये गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है, एंड आई एम श्योर जब ये गाना रिलीज़ होगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो लोग लाइक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? कैसे बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस, इतना मज़ा आया, और हंसते खेलते हम लोगों ने डब किया, ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर में बैठे हुए हैं कि ये ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी, तो जब हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम होता है तो बहुत मज़ा आता है उसमें, और वो खिल के आता है, और है ना एक क्रिएटिविटी भी बहुत एक अलग लेवल पर रहती है जब आप हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है आसपास, तो वही आज मुझे मज़ा आया। सर आपसे जानना चाहूँगा बड़के भैया जो एक नई पिक्चर लेके आ रहे हैं विभत्स, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले विभत्स के बारे में, कुछ बताइए क्या मीनिंग है इस टाइटल का, और अगर फिल्म के बारे में थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ। सर विभत्स जैसे कि नाम से समझ में आता है, थोड़ा डार्क शेड है, काफ़ी सारे शेड्स देखने को मिलेंगे मूवी में, लव है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो एक कंप्लीट मूवी जैसे कि ऑडियंस को चाहिए सेम कंप्लीट मूवी हम लोग बना रहे हैं, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मूवी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। जावेद सर का गाना इस फिल्म के साथ जुड़ चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कौन से मूवमेंट पे आएगा ये गाना, और अगर थोड़ा सा बताएं कि कितना कितना इम्पोर्टेंट था जावेद सर? एक्चुअली ये गाना हमारे मूवी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गाना है हमारा, और जैसे कि सर ने मुझे बताया कि हम जावेद सर को ले रहे हैं, तो मेरा रिएक्शन था कि बिल्कुल कब आने वाले हैं, कब करने वाले हैं, तो एक्चुअली हम लोग भी एक्साइटेड थे कि जावेद सर अगर गाएंगे तो वो गाना एक नेक्स्ट लेवल पे जाके सेट होगा, तो वी ऑल आर फिंगर क्रॉस्ड कि ये अभी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर वी आर एक्सपेक्टिंग दिस सॉन्ग इंशाल्लाह। और अगर स्टार कास्ट के बारे में बताएं, हितेन सर भी है फिल्म के अंदर, ऐसा बताइए कौन कौन है हितेन सर? अभी हम लोगों ने हितेन सर का ही अभी फाइनल हुआ है, बाकी स्टार कास्ट फाइनल होना बाकी है, तो जैसे जैसे फाइनल होगा वैसे आते ही जाएगा आपके सामने। और कब फ्लोर पे जाने का प्लान है फिल्म को लेकर? फ्लोर पे जाने का प्लान अप्रैल के सेकंड हाफ में है, लाइक 15th अप्रैल से तो विल बी ऑन द फ्लोर, मिड ऑफ अप्रैल वी आर प्लानिंग, वन शेड्यूल होगा ना ये तो? हां वन शेड्यूल, एवरीथिंग ओके। और सर अगर कुछ कहना चाहे आप हमारी ऑडियंस से फिल्म के बारे में, और अगर कुछ शेयर करना चाहे तो? काफी एक अच्छा मूवी हम लोग ऑडियंस के लिए लाने वाले हैं, पूरा कंप्लीट फैमिली मूवी है, तो एक फैमिली के साथ में बैठ के देख सकता है, इस टाइप का हम लोग मूवी कंप्लीट बनाने वाले हैं, काफ़ी सस्पेंस, थ्रिलर, लव, सारा इमोशंस ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है मूवी में, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज मूवी। राइट,
सर जावेद सर, अगर आपकी आवाज में दो लाइनें हो जाए इस गाने की। आई थिंक बिफोर रिलीज रिलीज से पहले नहीं गाना चाहिए, बिकॉज है ना ये ऑन एयर आएगा, पता लगा अगले ही महीने वीक वीक में बन के YouTube पे आ गए हैं ये भी सीन है। हां आई थिंक वी शुड नॉट सिंग। नो नो सही बात। हां डन सर, ऊर्जा फिल्म्स और एंटरटेनमेंट जो जुड़े हैं उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहे आप। एक्चुअली ये मैम का इनिशिएटिव है, हम लोगों ने मिलके एक नया जस्ट चालू किया है। मैम अगर कुछ शेयर करना चाहे कि क्या मोटो है इस प्रोडक्शन हाउस का। मोटो मतलब अच्छे फिल्म्स लाना, जो अच्छा जॉनर रहे, अच्छे सॉन्ग्स रहे, कि जो सब फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ रहे, ऐसा कुछ हम लेके आना चाहते हैं। इसीलिए मुर्जा फिल्म्स के साथ हमको मिला बड़के भैया और हम लोग जुड़ के ये प्रोजेक्ट अच्छा आगे लेके जाना चाहते हैं। एक ही नहीं, आगे और भी प्रोजेक्ट साथ में करना चाहते हैं। So, let's see आगे कैसे कैसे वर्कआउट होता है। So, और कितने प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है आपके? हमारे दो प्रोजेक्ट्स तो बैक टू बैक लाइंड अप थे, विभत्स और 3.33 एम। ओके थैंक यू सो मच।